गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विश्वनाथ फ्रॉम सीसीएच एकेडमी। आज हम चैप्टर जो इसके प्रीवियस में हम लोगों ने पढ़ा था जनरल, उसी के ऊपर हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। हम थोड़ा सा रिवाइज करते तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जनरल क्या होता है, कि जो डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में अकाउंट में जो रिकॉर्ड करते हैं उसकी पद्धति, उसकी टेक्निक को हम जनरल कहते हैं। ठीक है, और भी हम इसको धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो जो भी जनरल के एंट्री होते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था आपको कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था। पर्सनल अकाउंट क्या होता है सभी को पता है, जैसे राम ये पर्सन है। ठीक है, रियल अकाउंट में हमने बताया था कि एसेट से बिलोंग करता है, और नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया था कि जो कि एक्सपेंस या फिर प्रॉफिट से जो गेन करता है उसी को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो आज हम बात करते हैं अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या देखा होगा, जब कंप्यूटर सीखते हो तो बहुत से लोग टैली की बात करते हैं। तो टैली में जैसे रिकॉर्ड करने के जो लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उनको मैनुअल की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसको हम अकाउंट्स में गोल्डन रूल बोलते हैं। आप अगर अकाउंट लेके पढ़ते हो, अगर आप सीए करते हो, सीएस करते हो, या लॉ में जाते हो, या फिर टैक्सेशन में जाते हो, या इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, ठीक है, आप जानते हो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो सभी को अकाउंट्स की जो बेसिक्स है, ये जो रूल है, मतलब जो जनरल एंट्री के रूल है, ये एकदम गोल्डन रूल है। आप जब तक रहोगे, मतलब जब तक आप अकाउंट पढ़ते हो, ये आपको आना चाहिए। तो क्या गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट में, क्या है? जो भी पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, और हम लोगों ने बताया था कि हम लोग प्लस माइनस, जैसे किसी की कहीं प्लस माइनस को हम प्लस माइनस ना दिखा के डेबिट और क्रेडिट से इंडिकेट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट में ये कहा गया है कि जो जिसको पैसा मिलेगा उसको हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, और जो पैसा देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट अगर कोई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, तो उसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में कोई चीज़ आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, अगर कोई जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं अब नॉमिनल अकाउंट में क्या है। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑल एक्सपेंस लॉसेस विल बी डेबिटेड। जितने भी खर्चे या लॉसेस होंगे, मतलब हानियाँ होंगी, उसको हम डेबिट करेंगे। सेकेंड क्या है, ऑल गेन एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। जितनी भी प्रॉफिट होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। आगे हम धीरे धीरे सभी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, कैश पेड टू राहुल फॉर रुपीज 7000। जैसे ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अभी आप रफली समझो, कैश पेड टू राहुल फॉर रुपीज 7000। यहाँ पे राहुल नाम के आदमी को 7000 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे राहुल भी है, यहाँ कैश भी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, चलिए तो यहाँ कैश और राहुल मैंने लिखा है। कैश, कैश हमारी एसेट्स होती है, इसका मतलब ये कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। राहुल, राहुल एक पर्सन है क्योंकि नाम से लग रहा है एक, तो राहुल एक पर्सन है, तो यहाँ मैंने लिखा है राहुल डैश पर्सन। तो इस पे कौन से अकाउंट का रूल लगाएंगे हम, पर्सनल अकाउंट का। तो हम लोगों ने अभी मैंने इसके पीछे मैंने बताया पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू राहुल, यहाँ पे राहुल को पैसा दे रहे हैं, तो हमारे मन में तो आ रहा है कि राहुल, राहुल पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। लेकिन ये भी तो देखना है कि राहुल को क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, लेकिन कैश तो मेरी एसेट्स है, तो इसीलिए उसके ऊपर हम रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे। तो जैसे हमने लिखा है पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पैसा किसको रिसीव, हु इज़ द रिसीवर, राहुल।
हु इज़ द गिवर, यहाँ पे गिवर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ कम, बिजनेस में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ गोज आउट, क्या बिजनेस से जा रहा है, कैश जा रहा है। तो यहाँ पे दो अकाउंट पे हो रहा है, तो मैंने दोनों का रूल अलग अलग लिखा है। तो अब देखो डेबिट द रिसीवर, तो पैसा किसको जा रहा है, राहुल को, तो हम राहुल को डेबिट कर देंगे। अब इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कैसे हम इसकी एंट्री बनाएंगे, तो राहुल से अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, जो जा रहा है बिजनेस से, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम अपने अकाउंट में क्रेडिट के लिए टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग क्रेडिट तो टू कैश अकाउंट, और डेबिट में दिखाएंगे 7000, क्रेडिट में दिखाएंगे 7000। इसका मतलब राहुल के यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या हुआ, प्लस हो गया होगा राहुल के अकाउंट में, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइनस हो गया होगा। मतलब मेरे पास से 7000 कम हो गया और ये कहाँ चला गया, राहुल के पास। तो राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से एक बार देख लेते हैं। कैश पेड टू राहुल, तो यहाँ पे राहुल क्या है, पर्सन है, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का। लेकिन ये भी देखेंगे क्या पेमेंट हो रहा है, कैश कौन सा अकाउंट है। तो सबसे पहले आप देख लो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, यहाँ कैश भी हो रहा है, राहुल भी हो रहा है। कैश आपका एसेट्स है, इसलिए रियल अकाउंट्स पे लगाएंगे रूल। राहुल हमारा पर्सन है, तो वहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल हमने लगाया। तो हम लोगों ने क्या बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला यहाँ कौन है, राहुल, हु इज़ द गिवर, गिवर कुछ कोई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट इज़ कम, बिजनेस में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। व्हाट इज़ गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश, इसलिए क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैश को। तो इसकी हम एंट्री क्या बनाएंगे, राहुल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।